नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AKTM एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपकी एग्जाम डेट रखी गई है 12 और 15 सितंबर को, उसमें जो आपकी 12 सितंबर की परीक्षा होगी जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप ई का पेपर होगा, वो परीक्षा आपकी ऑफलाइन करवाई जाएगी जो कि यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट में करवाई जाएगी। लेकिन जो आपकी ग्रुप बी से लेकर के तक के जो भी ग्रुप आपके बचते हैं उनकी परीक्षा आपकी इस बार ऑनलाइन करवाई जाएगी जो कि 15 सितंबर को होने वाली है। तो यहाँ पर ग्रुप ए और की परीक्षा तो ऑफलाइन हो जाएगी, लेकिन जो ग्रुप बी से लेकर के तक के स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा ऑनलाइन होगी, उनके माइंड में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि वो किस प्रकार अपनी परीक्षा को ऑनलाइन देंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक कोई भी ऑनलाइन परीक्षा नहीं दी होगी। तो यहाँ पर अब आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आ चुका है, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपके ग्रुप बी से लेकर के तक के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अब आप अपने मोबाइल पर और घर बैठे एक मॉक टेस्ट आसानी से दे पाएंगे जो कि आपका सेम टू सेम उसी प्रकार से होगा जिस तरीके से आपका जो ऑनलाइन पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर अब आप अपने घर पर बैठ के ही मॉक टेस्ट को दे पाएंगे जो कि बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका करवाया जाएगा जिस तरीके से आपका पेपर जो है असली वाला होने वाला है। और ये आप अभी तुरंत ही अपने मोबाइल से भी कर पाएंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा और पॉलिटेक्निक से जुड़ी सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों A to Z प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको मेरे साथ आगे तक बने रहना है। दोस्तों, पहले तो आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर या अन्य किसी ब्राउजर पे gcup.nic.in इस वेबसाइट को खोल लेना है। जैसे ही आप गूगल पे gcup सर्च करेंगे यही वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी और आपको इस प्रकार की इस वेबसाइट को खोल लेना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है, ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारी ऑफिशियल जानकारी दी जाती है। तो जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो मॉक टेस्ट आपका होने वाला है उसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, चाहें तो, नहीं तो मैं आपको जो जरूरी है वो मैं बता दूंगा। इसके अलावा यहां पे एक लिंक जो कि लगातार ब्लिंक कर रहा है आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, तो आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। चलिए, इस लिंक पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम वेट करते हैं वेबसाइट के खुलने का। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट खुल करके आ जाएगी जहां पर यह सब जानकारी आपकी दी गई होगी, तो आपको इसको देख लेना है। यहां पर लिखा हुआ है कि UPJEE पॉलिटेक्निक 2020 मॉक टेस्ट, तो यहां पर साइड में ये आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इनको पढ़ लीजिए। यहां पर कोई खास जानकारी वैसे नहीं दी गई है, लेकिन आपको मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए। फिर जब आप नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ पे आपको ये बगल में एक ये लिंक दिखाई देगा, क्लिक हेयर फॉर मॉक टेस्ट, तो आपको सिंपली इस पे ही क्लिक कर देना है। चलिए, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब हम वेट कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, ये देखिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जानकारी मांगेगा कि आप मॉक टेस्ट देने वाले हैं तो अपनी जानकारी भरिए, तो चलिए जानकारी भर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम आपका भर देना है, जो भी आपका नाम रहे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी भी फिल कर देनी है, आप अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी यहां पे फिल कर दें। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका कोर्स, तो कोर्स वाले पे हम क्लिक करेंगे। यहां पे आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पे ये सारे कोर्स आ रहे हैं, देखिए ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप एफ, जी, एच, आई और K1 से लेके यहां पर K8 तक के सारे ग्रुप का यहां पे आ रहा है, तो आपका जो भी ग्रुप है आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि मुझे ग्रुप K4 का पेपर देना है तो मैंने K4 यहां पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद टाइम के ड्यूरेशन आपको चूज करने के लिए कहेगा, तो आप चाहे 15 मिनट का टेस्ट दे दें, चाहे आपका 30 मिनट दे दें, चाहे आप 1 घंटे का दें, चाहे 2 घंटे का दें, चाहे 3 घंटे का दें। पेपर पूरा आपका 3 घंटे का होता है, तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप 3 घंटे वाला टेस्ट लगा लीजिए। वैसे अगर आपको सिर्फ जानकारी के लिए करना है तो 15 मिनट या 30 मिनट का भी टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए, हम 15 मिनट का चुन लेते हैं। अब दोस्तों मैं यहां पर अपना नाम और ईमेल आईडी भर देता हूं, उसके बाद मैं यहां पर प्रोसीड करूंगा, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने अपना नाम, ईमेल आईडी भरा, अपनी ब्रांच चुनी और टाइम चुना, तो मेरे सामने ये एक ऐसा इंटरफेस खोल करके आ गया। यहाँ पे आप मेरा नाम लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ये आपको सेम ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देगा, आपका सिस्टम नंबर जो होगा वो चेंज होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये सब जो लिखा हुआ है ये सेम टू सेम ऐसा ही आपको पेपर वाले दिन भी देखने को मिलेगा, तो ये सारी प्रक्रिया आपको पेपर वाले दिन भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर लॉग इन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तब आप एग्जाम में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खोल करके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ग्रुप K4 चुना हुआ था, तो K4 लिख क्या रहा है, यहाँ पे मेरा नाम और रोल नंबर जो कि एक टेम्परेरी आपको प्रोवाइड किया गया है वो भी लिख करके आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कहेगा कि आपका जो रोल नंबर है ये 11902 है, आपकी जो ब्रांच है ये है, और यहाँ पे पासवर्ड डालिए। तो पासवर्ड देखिए आपको क्या डालना है, मॉक टेस्ट के लिए तो आपको ये पासवर्ड डालना है, यानी कि अभी तो आप इस पासवर्ड को डालेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम को देने जाएंगे तो आपके एडमिट कार्ड पर पासवर्ड लेकर के आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल तो मैं इस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देता हूँ,
और पासवर्ड यहाँ पे ABC123 है, तो मैंने यहाँ पे ABC123 ये डाल दिया। अब यहाँ पे इसको डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लॉगिन का बटन आ रहा है, मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ, ये वाला। तो ये वाला जो लॉगिन का बटन है यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वेट करेंगे, देखिए इस तरीके का पूरा इंटरफेस खुल करके आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी फोटो लग के आ जाएगी जब आप एग्जाम को दे रहे होंगे, फिलहाल तो ये मॉक टेस्ट है तो फोटो नहीं लग जाएगी। यहाँ पे देखिए मेरा नाम, मेरी ब्रांच और जो मैं अभी टेस्ट को दे रहा हूँ ये सब लिख करके आ गया है। अब देखिए यहाँ पे बस आपको कंटिन्यू कर देना है। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब देखिए आपके सामने ये ढेर सारे इंस्ट्रक्शन आ गए हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, ठीक है। इसको सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ ताकि वेबसाइट खुल के आ जाए। अब देखिए फिर से आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खोल करके यहाँ पे आ जाएगा। सारी जानकारी को आपको ठीक ढंग से समझ लेना है। यहाँ पे आपके सामने सारी जानकारी बताई जा रही है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर दिया मैंने। अब देखिए मैंने इसको पढ़ने के बाद आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिख क्या रहा है कि ग्रुप के फोर मैंने सेलेक्ट किया है, 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ मैंने पढ़ ली है। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट द टेस्ट, इस पर मुझको क्लिक करना है। चलिए मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब स्टार्ट द टेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आपका फाइनली टेस्ट खोल करके आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने खोल करके आ गया यूपी पॉलिटेक्निक मॉक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम, रोल नंबर सारा लिख के आ गया है। चूंकि मैंने 15 मिनट का टाइम सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे मेरे 10 सेकंड बीत भी चुके हैं। टाइम धीरे धीरे करके यहाँ पे आपका कम होता जाएगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, फोटो वगैरह आपकी एग्जाम वाले दिन लिख करके आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट ओर कंटेंस बोथ आयरन एंड कॉपर, किस अयस्क में लोहा और तांबा दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, चालकोपायराइट, मैलेकाइट, चालकोसाइट, क्यूपराइट। तो आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पे सही लगता हो आप अपना चुन लीजिए। ऐसे मान लीजिए मैंने मैलेकाइट यहाँ पे चुन लिया। अब देखिए आपको इसको चुनने के बाद यहाँ पे आपका आ रहा है नेक्स्ट, अगला। तो यहाँ पे आपको अगले वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका अगला लिख के आ रहा है। जैसे आप अगला पे क्लिक करेंगे आपके सामने अगला क्वेश्चन जो है वो बदल के आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो इसी तरीके से आपके एक एक करके सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर आपको पिछले क्वेश्चन पर जाना है तो प्रीवियस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दीजिए, आप बाद में उसको कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया था, तो मेरा जो एक नंबर का क्वेश्चन है ग्रीन दिखा रहा है, उसके बाद के सारे क्वेश्चन मुझे ब्लू दिखाना है। तो जो जो क्वेश्चन आप करते जाएंगे वो आपका ग्रीन होता जाएगा, जो भी आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देंगे वो आपका येलो होता चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जब आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो आप पे सबमिट करने के लिए कहेगा। अगर आपका टाइम खत्म हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको जो सारी प्रोसेस है वो समझ में आ गई होगी। आप इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन करके नेक्स्ट करते रहेंगे तो आपके सामने जो है अगला क्वेश्चन आता रहेगा। तो दोस्तों आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाफट आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, आपको 100% सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही।